भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस महीने दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें रोजाना 1,00,000 कोरोना के मामले सामने आएंगे। इस वक्त देश में हर दिन 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं 550 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है, जबकि रविवार को 39,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम पर हो सकती है। दूसरी लहर में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन, दवा समेत अन्य जरूरी सामानों को पहले ही उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। विशेषज्ञों ने बताया कि दूसरी लहर में देश में हर रोज 4,00,000 नए मामले देखने को मिले थे, लेकिन अब डरावनी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना की स्थिति के बारे में अनुमान लगाने वाले विशेषज्ञों का आकलन एक गणितीय मॉडल पर आधारित है। मई में IIT हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि भारत के कोरोना वायरस का प्रकोप आने वाले दिनों में गणितीय मॉडल के आधार पर चरम पर हो सकता है। कोरोना वायरस का प्रकोप फिलहाल नहीं थम रहा। स्थिति यह है कि पिछले 7 दिन से लगातार देश में नए मामले ज्यादा मिल रहे हैं, बल्कि उनकी तुलना में रिकवरी कम हो रही है। वहीं रविवार को लगातार 5वें दिन देश में 40,000 और दूसरे दिन 41,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि देश के 10 राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है और 40 जिलों में संक्रमण दर सबसे अधिक होने की वजह से स्थिति गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 41,831 नए मामले सामने आए, जबकि 541 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान 39,258 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। इससे पहले बीते शनिवार को एक दिन में 149 नए मामले मिले थे, जबकि 593 लोगों की मौत हो गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।